फैसल बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने दलाल दिए कि उनके मौक्किल ने माफ़ी मांगी है, वो नदामत का इजहार भी कर चुके हैं। टीवी चैनल्स के वकील ने भी जवाब जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम भी अपनी गलती मानते हैं, आप नहीं मानते। आपने जवाब में कहा आपकी ड्यूटी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना, पागल खाने में कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो कवर करना आपकी ड्यूटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं इनसे गलती हो गई, आप भी अपनी गलती माने। केस की समाअत जारी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत को निशाने पर ले लिया। उमर अयूब के पार्टी जनरल सेक्रेटरी के अहदे से मुस्ताफी होने का खैर मकदम। शिबली फराज से भी इस्तीफे का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोर कमेटी और सियासी कमेटियाँ फेवरेटिज्म पर बनती हैं, फैसले मेरिट पर नहीं होते। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफे के चंगुल से आज़ाद होगी। पार्टी कोई भी काम पूरा करने में नाकाम रही, आवाम को मुतहरिक नहीं कर सके। बल्ले का निशान हो या मखसूस नशस्तें, क़यादत नाकाम रही। इससे कबल भी पीटीआई में कई अरकान अलग ग्रुप बनाने का अंदिया दे चुके। वफाकी बजट आज मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कल हुकूमत के अरकान की तादाद पूरी न होने पर बिल पास करवाने का फैसला तब्दील किया गया। हुकूमती इत्तेहादियों के अपने अरकान को मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमती अरकान के आवान में हाजिरी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। उधर बिलावल भुट्टो की भी तमाम अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो TTP की सरहद पार पना गाहों को भी निशाना बनाएंगे। अज़्मे इस्तेहकाम पर सियासी जमातों के तहफ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मामला पार्लियामेंट में भी लाएंगे। पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई, कुछ सियासी जमातें और ग्रुप सियासी मफादात के लिए मुखालफत कर रही हैं। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI ने बातचीत के बाद ख़ैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को बसाया, अगर तालिबान से बातचीत का तजर्बा कामयाब है तो हमें बताएँ। KPA हुकूमत का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। ख़ैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद पास, करारदाद को काबीना इजलास में मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशा बीवी पर कायम मुकदमात वापस लेने का भी मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया CCTV पब्लिक की जाए। ख़ैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मजारी का नाम ECL से ना निकालने के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। चौधरी परवेज अली का नाम ECL में शामिल करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नाम ECL में शामिल किया। चौधरी परवेज लाही ने अदालत से सदा की कि नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर के मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मॉडल बाजारों को ग्रीन पंजाब सोलर मॉडल में मुंतकिल किया जाएगा। मॉडल बाजार आम आदमी के लिए हैं, हर सूरत में अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। लाहौर के डेवलपमेंट के लिए 35 अरब रुपये मुख्तस किए गए। पूरी लगन और मेहनत के साथ पंजाब के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचा रहे हैं। कराची में हालिया हीट वेव से अंबाद की तादाद 17 हो गई। शहर कायद में 24 जून से हीट वेव की लहर शुरू हुई थी। इसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में शहरियों की अंबात रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद कराची में आज मतला जुज़वी बरालूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश का इम्कान। हैदराबाद ठट्ठा बदीन से जावल थरपारकर और मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ चलने और बारिश का इम्कान है।